ओके, स्क्रीन भी शेयर हो गई है। चलें, सुने, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? आप सबने रेस पढ़ी, आप सबको पता है रेस क्या होती हैं। रेस होती हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप, और ये कलेक्शन क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। ओके, कॉन्टिन्यूस कलेक्शन क्या होती है? कल हमने डिटेल में देखा था। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है। कल हमने इंटीजर की अरेज बनाई थी, आपको फ्लोट की भी अरे बनानी आती होगी, क्योंकि हमने बस कीवर्ड को चेंज करना। तो एक एक एक्स्ट्रा काम मैं बस करने लगा हूँ, वो ये है कि अगर मैं अब अगर मैं इंटीजर और फ्लोट की जगह ये काम करूँ कि मैं कैरेक्टर अरे बना दूँ और इसका नाम मैं अरे रख देता हूँ और इसका मैं साइज नहीं डिफाइन करता। अगर आपने लेक्चर नोट्स पढ़े हैं तो अब आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे दूँ तो साइज ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके, वैल्यूज क्या रखवाता हूँ? मैं रखवाता हूँ पहला करेक्टर ए रखवाता हूँ, दूसरा करेक्टर में एस रखवाता हूँ, और तीसरा करेक्टर में रखवा देता हूँ एच रखवा देता हूँ, चौथा में ए रखवा देता हूँ, और पांचवा ये रखवा देता हूँ, नाम है अशज। ठीक है, तो ये क्या एक सिंपल कैरेक्टर एरे है। ठीक है, अब देखें, पहला करेक्टर एस ए है जो कि 0th इंडेक्स पे है, दूसरा करेक्टर एस है जो कि इंडेक्स 1 पे है, तीसरा करेक्टर एच है जो कि इंडेक्स 2 पे है, फिर इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। इस सब के आगे अगर मैं एक ऐसा करेक्टर डालता हूँ जो कि नल करेक्टर है, ये बैक स्लैश 0 जो होता है ना, ये एक नल करेक्टर का सिंबल होता है। नल करेक्टर कोई भी ऐसा करेक्टर, मेरे ख्याल में स्पेस को भी एज नल करेक्टर काउंट कर लिया जाता है, नहीं तो रिटर्न बटन जो आपका एंटर बटन होता है ना, उसको भी नल करेक्टर समझा जाता है। नल करेक्टर क्या होता है वो आप डिटेल में देखिएगा। अलबत्ता जब मैं नल करेक्टर स्ट्रिंग के एंड पे डाल दे, इस करेक्टर अरे का आखिरी इंडेक्स पे डाल देता हूँ, तो अब ये करेक्टर अरे सिर्फ और सिर्फ करेक्टर अरे नहीं रही, अब ये एक स्ट्रिंग बन गई है। तो बस स्ट्रिंग इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक करेक्टर अरे बनाओ और उस करेक्टर अरे के एंड पे नल करेक्टर रखवा दो तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। अच्छा सर, ये करेक्टर अरे का क्या काम है? ये सॉरी, करेक्टर ये कह रहे हैं कि इस नल करेक्टर का क्या काम है, इसको डालना जरूरी है? जी, इसको डालना जरूरी है, क्योंकि ये नल करेक्टर ही बेसिकली सी लैंग्वेज के कंपाइलर को बताता है कि ये एक नॉर्मल करेक्टर अरे नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है। दूसरी बात, नल करेक्टर के आने से वो स्ट्रिंग वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। आप कंपाइलर को पता लग गया कि अशज के आगे इस स्ट्रिंग के अंदर कोई और करेक्टर, कोई और लेटर मैंने ऐड नहीं करना, ये जो करेक्टर अरे है, ये जो स्ट्रिंग बन चुका होगा, ये स्ट्रिंग इधर एंड हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस किया, अभी इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये बात समझिए तो अपना हैंड रेस करने। ठीक है, अब ना रुके जरा, मैं इसको अगर तो मुझे मुझे पता था इसने यही करना है, नेवर माइंड, इसको दोबारा खोल देते हैं। ओके, अगर आपको वो करेक्टर रे वाली कहानी समझ आ गई है ना, तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है कि मैं एक अरे को डिक्लेयर करूं फिर इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू से रुकाऊं। मेरे लिए बहुत हेडेक है कि यार मैं बार बार एक करेक्टर रखवाऊं, फिर उसके बाद कॉमा डालूं, फिर दूसरा करेक्टर रखवाऊं। तो आपको एक बात याद होगी, रिपीट कर देता हूँ। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने करेक्टर एरे बनाई और करेक्टर एरे के अंदर हर इंडेक्स के ऊपर करेक्टर ही आना ना, क्योंकि एरे किस टाइप की है, करेक्टर की है, तो हर इंडेक्स पे करेक्टर पड़ा होगा। बस इतनी सी बात की है कि जब इसके एंड पे ये करेक्टर आ जाए ना, इसे नल करेक्टर कहते हैं। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये एक सिंपल करेक्टर एरे नहीं रही, ये स्ट्रिंग बन चुकी है। नल करेक्टर डालना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो वो कंपाइलर को बता देता है कि ये स्ट्रिंग है, और दूसरी बात कि वो ये भी बता देता है साथ साथ कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई, ये इसके आगे इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं रखवाना। ठीक हो गया। ओके, अब ये बड़ी हेडेक है कि बार बार इंस्टा स्ट्रिंग्स को बनाया जाए। तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में जब प्रिंट एफ डिस्कस की थी ना, पहले दूसरे लेक्चर में, तो हमने बात बताई थी कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई भी चीज लिख दो, बेशक नंबर लिख दो, बेशक डेसिमल वैल्यू लिख दो, बेशक जो मर्जी लिख दो, अगर तो वो डबल कोट्स के अंदर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हम स्ट्रिंग बनाने का इजी तरीका देख लेते हैं कि हमने डिफाइन एक करेक्टर दे रही करनी है, करेक्टर इसका नाम एस टी आर रख देते हैं। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज एन कंपेरेटिव, दिस इज अ कंपेरेटिवली इजी वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या था, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक आप करेक्टर एरे को नहीं समझ, आप एरेस को नहीं समझोगे तो आप स्ट्रिंग को नहीं समझ सकते। तो ये बड़ा बेसिक लेवल पर मैंने आपको उस एरे से कंपेयर करके बताया कि स्ट्रिंग कैसे बनती है। अब इस चीज की जरूरत नहीं है, हम इस तरह स्ट्रिंग्स क्रिएट किया करेंगे। इसको स्ट्रिंग लिटरल भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसे इंस्टेड ऑफ करेक्टर एरे की फॉर्म में डिफाइन करो,
आप इसको डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली डिफाइन कर रहे होते हो। आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे आपका इनसे बहुत पाला पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी करेक्टर एरे ही है। इसके अंदर ये जो एच लिखा हुआ है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंडेक्स जीरो है। ये जो ई लिखा हुआ है इंडेक्स वन है, अगला एल इंडेक्स टू है, उससे अगला एल इंडेक्स थ्री है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि ये स्ट्रिंग बन गई है तो अब इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। ये स्टिल एक करेक्टर एरे की तरह ही काम कर रही होगी। ठीक है, ओके, इसको प्रिंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। मैं देख लूँ किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि अब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर किस तरह किया करेंगे, तो हैंड रेज करने, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चले। चलो ओके, अब इसको प्रिंट कैसे करना है, आपको याद होगा और मैं अगेन बता रहा हूँ कि सी प्लस प्लस वाले जो शहजादे हैं ना, आपके पास लग्जरी है, आपने सिर्फ इसको सी आउट के अंदर लिखना है। सी वाले हैं ना, इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने होते हैं। हमें पता है कि इंटीजर का परसेंट डी है, कैरेक्टर का परसेंट सी, और फ्लोट और डेसिमल का फ्लोट और डबल का सॉरी परसेंट एफ होता है। तो स्ट्रिंग्स का बेसिकली परसेंट एस होता है। ये एस इसे बताता है कि अब आपके पास जो भी आने वाली है वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पे आपने सिर्फ एसटीआर पास करना है, आपने ये स्क्वेयर ब्रैकेट साथ पास नहीं करने होते। इसको प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट स्ट्रिंग्स एंड दैट्स हाउ यू प्रिंट देम। अब मैंने आपको कहा था ये बैकएंड पे करेक्टर एरे की तरह इंप्लीमेंट होती है, तो वो भी देख लें गौर से कि अगर मैं प्रिंट एफ करने जाऊं इसका, अब एक करेक्टर प्रिंट करने लगा ना, अब याद रखना मैं स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कर रहा, मैं इसका करेक्टर प्रिंट करने लगाऊं, तो अब परसेंट सी यूज होगा। करेक्टर कौन सा प्रिंट करता हूं, मैं कहता हूं जो एस टी आर की स्ट्रिंग बनाई है ना, इसके इंडेक्स टू पे जो सा करेक्टर है वो सर मुझे प्रिंट करके दे दें। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड पे एल प्रिंट हुआ है, मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन ही दिया था ताकि चलो। और ऐसा करते हैं 5, 6, 7वें नंबर वाला कर देते हैं ताकि चीजें ज्यादा इजी हो जाए। ओके ओके, ओ प्रिंट हो गया। तो ये इंडेक्स 7 के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा था, ये वाला ओ पड़ा था। ठीक है, सो दैट्स हाउ स्ट्रिंग्स आर इंप्लीमेंटेड। अब देखो, कल बात की थी कि एरेज जो है उसने आपके डाटा ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी को बेटर किया था। ठीक हो गया, लेकिन आपके जो पुरानी सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग है वो चेंज नहीं हुई। जिस तरह आप नॉर्मल एरे को आइट्रेट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी आइट्रेट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग के सर्टेन करेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी जितने ऑपरेशन आप एक नॉर्मल एरे के ऊपर करते रहे हो या करोगे, वो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो। तो स्ट्रिंग को बेसिक लेवल पर बस इतना ही समझना जरूरी है कि वो एक करेक्टर एरे है जो कि नल टर्मिनेटेड होती है। इसके बाद आप जो मर्जी करते रहो उसके साथ, वो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन। इसे स्पेस नहीं देनी चाहिए। देखें मेरी बात सुने, जब मैंने स्पेस स्ट्रिंग लेटरल के अंदर दिया ना, तो तब मसला नहीं करेगा। स्पेस का मसला करेगा वो वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, उस बात की टेंशन ना लें, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने उसको डबल कोट्स के अंदर लिख के उधर हार्ड कोड कर दिया ना, तो प्रोग्राम इतना रीडेबल है, इतनी उसको समझ आया कि उसको समझ लग जाएगी, अच्छा भाई ये जो स्ट्रिंग है ना ये स्पेस के साथ भी काम करेगी। अभी स्पेस मसला कहाँ पे करेगी, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ कि वो नल करेक्टर के साथ उसे कंफ्यूज कैसे कर सकता है, उस चीज के वेट ना करें। लास्ट पॉइंट कौन सा था मियां हमदा जो आप कह रहे हैं रिपीट करने? अच्छा, वो बस मैं ये बता था कि अब एरेस के ऊपर जो नॉर्मल ऑपरेशन करते हो वो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो, आप उसको आइट्रेट कर सकते हो, उसके करेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो, और भी बड़े काम आप कर सकते हो। एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए। जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फंक्शंस की ना बिल्ट इन लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। ऑल्दो हम प्रेफर ये करते हैं कि ऐसा इंडेक्स 7 वाला, मैं करता हूँ रिपीट, ऑल्दो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट, हम अपने फंक्शंस बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन लाइब्रेरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। आपने बस इतना काम करना है कि आपने जाके देख लेना कि एक सी लैंग्वेज के अंदर करेक्टर के रिलेटेड लाइब्रेरी है और एक स्ट्रिंग के रिलेटेड लाइब्रेरी है। इन दोनों लाइब्रेरीज में करेक्टर के लिए और स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन मेथड्स पड़े हुए हैं। किस तरह के मेथड्स हैं, जैसे करेक्टर अपर केस है कि लोअर केस, अगर आपने पता लगाना हो तो इस चीज का बिल्ट इन मेथड सी आपको दे देता है। आपने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो कि वो इक्वल हैं कि नहीं है, नॉर्मली होता है ना यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना होता है कहीं पे, तो हम कहते हैं कि यार ये यूजर नेम एंटर किया है, ये जो प्रोग्राम में यूजर नेम है इसके बराबर है भी कि नहीं है, तो वहां पे स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है। तो ये आपको उनकी बिल्ट इन लाइब्रेरी सर्च कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि हम इंफॉर्मेशन या सर्चिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। तो लॉजिक के हिसाब से स्ट्रिंग इतना ही है। मैं इंडेक्स 7 वाली बात रिपीट कर देता हूँ हमजा, मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई है कि ये जो स्ट्रिंग बनाई है ना मैंने, ये करेक्टर एरे है, तो ये करेक्टर एरे की एक नॉर्मल एरे की तरह बिहेव करेगी। तो ये एच 0 वाले इंडेक्स पे है, ई इंडेक्स 1 पे है, एल इंडेक्स 2 पे, ये वाला एल इंडेक्स 3 पे, ये वाला इंडेक्स 4 पे, ये स्पेस इंडेक्स 5 पे, ये इंडेक्स 6 और ये इंडेक्स 7। अच्छा, हम स्ट्रिंग को इनपुट भी ले सकते हैं,
तो हम एक स्ट्रिंग बना के ना अब उसको इनपुट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस सबको कमेंट कर देते हैं और हम अपनी एक करेक्टर एरे बनाते हैं, इसी नाम से बना देते हैं। अच्छा, अब मुझे इसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं सेफ एंड के लिए 20 स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने स्कैनफ लेना और मैंने कहना क्या स्ट्रिंग इनपुट लेने लगा। ये स्ट्रिंग जो भी आप इनपुट लेकर आओ इसको रखवा दो एसटीआर एरे के अंदर। अब ये ऑनेस्टली मुझे इसका सिंटेक्स याद नहीं पड़ रहा क्या था, लेकिन आई गेस इस तरह का ही था। चल इसको प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिख देते हैं स्ट्रिंग इक्वल्स परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे इस एसटीआर को क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। चल अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ये बात थी स्ट्रिंग में मैंने क्या इनपुट दी है, शयान बट, और उसने स्ट्रिंग में आउटपुट क्या दिया है, शयान। सवाल ये पैदा होता है ये वाला पार्ट किधर गया, ये वाला पार्ट, वो जो अब मैंने आपको बताया था ना नल करेक्टर वाला पार्ट, वो यहाँ पे मसला करेगा। जब मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ ना, तो इनपुट नॉर्मली आती है बफर के थ्रू। बफर क्या होता है, बफर एक टेम्परेरी इनपुट स्टोरेज होता है आपके प्रोग्राम के अंदर, जिधर से वेरिएबल्स ने वैल्यूज रीड करनी होती है। तो बफर के अंदर जब स्पेस आया, उसने वैल्यू रीड करने गया, तो उसको नहीं पता चला कि भाई ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जब भी आप इस तरह स्कैनफ से स्ट्रिंग को इनपुट लोगे ना, तो वो आपको उसको यही लगेगा कि आपकी स्ट्रिंग स्पेस के बाद टर्मिनेट हो गई है, और वो स्पेस के बाद वाला पार्ट कभी भी स्कैनफ के अंदर रीड नहीं करेगा। ये वाला मसला आपके साथ आ सकता था, तो इसलिए मैंने ये बात आपको अभी बता दी है, ठीक है। ये बात थी वो जो नल करेक्टर वाली मैं आपको समझा रहा था, आप समझ जाइए। तो हैंड रेस कर दें, ठीक है। जब भी आप इनपुट लोगे और आप उसके अंदर स्पेस दोगे ना, तो उसको नहीं पता चलेगा कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हुई है कि नहीं हुई, तो वो अपनी तरफ से उसको टर्मिनेट ही कर देगा। अब इधर 1 मिनट ब्रेक लगाते हैं सी वालों के लिए, क्योंकि अब सी वाले भी सुनते रहे साथ साथ। अब सी प्लस प्लस वाले शहजादे जरा मेरी बात सुन लें, ये स्पेस के साथ इनपुट कैसे लें, मैं यही बात बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं सी प्लस प्लस वालों को जरा साथ लेके चलूं, आपके पास ना थोड़ी सी लग्जरी है, लास्ट टाइम जरा हैंड रेस कर दो। सी प्लस प्लस वाले कौन है, मुझे ना नाम शो हो जाए थोड़े से। ओके, आप लोगों के पास लग्जरी है, आप करेक्टर एरे बनाना चाहते हैं तो आपको सी प्लस प्लस अलाउ कर रही है, नहीं बनाना चाहते तो इधर देख लें क्या काम किया जा सकता है। ये आपका सी प्लस प्लस का कोड है, इधर मैं लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इसको कमेंट कर देते हैं ताकि मसला ना करें। ओके, नीचे आ जाए, हम इस तरह भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख के एस लिख के ये स्ट्रिंग क्रिएट कर दी मैंने, और आई होप चल जाएगा कोड, मुझे लगता है इसकी कोई लाइब्रेरी ना हो, चला ही लेते हैं, चल गया, ठीक है। तो आप लोगों को उस तरह वो करेक्टर एरे बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखो और स्ट्रिंग का नाम दो और स्ट्रिंग बना दो, ठीक है। अच्छा, माइंड इट, ये भी करेक्टर एरे की तरह इंप्लीमेंट हुई हुई है। तो ये वाला जो इंडेक्स है ना एज का, ये 0th इंडेक्स ही है, ये ए का इंडेक्स इंडेक्स 1 ही है। इफ यू डोंट बिलीव मी तो मैं फिर अपना नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार एस ऑफ 2 प्रिंट करके ले आओ। तो अब आप देखिएगा कि उसने ए प्रिंट कर दिया, तो एस 0 इंडेक्स पे था, एच इंडेक्स 1 पे था, और ये जो ए है ना तीसरे नंबर वाला, ये इंडेक्स 2 पे था, तो उसने ए को प्रिंट कर दिया। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे आपको डेटा टाइप अवेलेबल है ना, ये भी बेसिकली करेक्टर एरे की तरह ही इंप्लीमेंट हुई हुई है। तो अगर आपने अपनी स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी बैकएंड पे किस तरह इंप्लीमेंट हुई है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। सी प्लस प्लस वालों बात समझ आ गई है, हैंड रेस कर देना सी प्लस प्लस वाले। हाँ ठीक है, ओके मुजैफा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि भाई कभी ना कभी हमें स्पेस के साथ तो इनपुट लेनी होगी, तो फिर हम तब क्या करेंगे। अच्छा, ये काम ही मैंने आपको बेसिकली होम असाइनमेंट में देना था, मैं चाह रहा था कि अब आप इंटरनेट को सर्च आउट करें, क्योंकि ये चीज़ अब आपको जितना देखोगे उतनी समझ आएगी। सी लैंग्वेज के अंदर ना एक स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं हम गेट्स, ठीक है। अच्छा, हम सी प्लस प्लस के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या ये वाला मसला हमें सी प्लस प्लस में तो नहीं आ रहा, और ये ऐड आ गई, ठीक है। ये बात तो हमने देखी नहीं ना कि सी प्लस प्लस में मसला है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ठीक है। तो यहाँ पे भी सी प्लस प्लस वाले के अंदर भी सेम मसला है कि उसने स्पेस के बाद की वैल्यू नहीं ली। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सी और सी प्लस प्लस के अंदर हमने स्पेस के साथ इनपुट लेनी तो लेनी कैसे है। सी के अंदर स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है गेट्स,
सी प्लस प्लस वाले में आप सर्च आउट कर लेना, मुझे वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट का याद नहीं आ रहा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को उसके साथ कंफ्यूज करके कोई गलत नाम बता दूं, तो इस चीज़ को आप सर्च आउट कर लेना कि स्पेस के साथ इनपुट कैसे लेनी है। लेकिन इसका एक छोटा सा मसला है, वो सुन लें, सी प्लस प्लस वालों को कोई मसला नहीं आएगा ये वाला, लेकिन सी वाले सुन लें, जो गेट स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी डेप्रिशिएटेड है। वो क्यों है वो मैं वजह बता देता हूँ, वो वजह थोड़ी सी आपके स्कोप के बाहर है लेकिन आपको पता होना चाहिए। गेट स्टेटमेंट का ये मसला है कि वो बफर को कंट्रोल नहीं करता, तो उसमें एक रिस्क होता है कि बफर ओवरफ्लो हो जाता है। बफर क्या होता है, बफर वो टेम्परेरी इनपुट है सी आई एन डॉट गेट, ठीक है, शाजिल ने बता दिया, हाँ वो आपके पास सी आई एन डॉट गेट है और इनके पास गेट स्टेटमेंट है। अच्छा, वो बफर को ना गेट्स जो है वो कंट्रोल नहीं करता, तो वो नॉर्मली ये होता है कि बफर ओवरफ्लो होने का बड़ा रिस्क होता है। इसलिए जो सी के ऑथर्स हैं या जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं वो कहते हैं कि इसको यूज करने से गुरेज ही करें। अलबत्त आपके लेवल पे इतना बफर ओवरफ्लो का मसला नहीं है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन नॉर्मली गेट्स की रिप्लेसमेंट में हम एफ गेट्स को यूज करते हैं, अगेन वो एक और स्टेटमेंट है, देखना तो देख लें लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। मैं इसका आपको ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ आपने करना क्या है। देखिए, आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अवॉइड करना है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस आ रही है तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर रखो। आपके लेवल के अंदर आप डील कर ही नहीं रहे होंगे जिनके अंदर आपको सेंटेंसेस डलवाना है, आपने लोगों के नाम स्टोर करने होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसमें इशू ये होता है कि मेरा नाम, जैसे मैंने वो शयान बट स्टोर कराने की कोशिश की तो उसने मेरा नाम का सेकंड हाफ स्टोर नहीं किया। तो इस तरह के केसेस के अंदर कोशिश करो, ये मेरी आवाज सबको ही कट के आई है, अगर सही आ रही है तो जरा हैंड। आवाज कटी थी पीछे। अच्छा, किधर से कटी थी बता देना। अभी जो लास्ट बात की उसको थोड़ी रिपीट कर दो। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये समझिए गेट्स के साथ मसला क्या है। मैं देख, सही है। अच्छा, गेट्स के साथ एक मसला बताया था, वो समझ, हाँ ओवरफ्लो कर देता है, ठीक हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि आप ना गेट्स को यूज कर लें अपने लेवल के ऊपर, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में एफ गेट्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तरीका मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग है ना जिसके अंदर स्पेस आनी वाली है, तो आप कोशिश करो कि आपको उसको दो वेरिएबल्स में सेपरेट, दो स्ट्रिंग्स के अंदर सेपरेटली इनपुट ले लो। जैसे मेरा नाम है ना, तो मैं फर्स्ट नेम को सेपरेट इनपुट ले लूँ, लास्ट नेम को सेपरेट इनपुट ले लूँ। मैं ये बात बता रहा था, कोशिश करें आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लें एज फार एज योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इज कंसर्न। बस इतनी सी बात बतानी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और छोटा सा मसला वो ये कि जब आप स्ट्रिंग को इनपुट लेते हो ना गेट्स और सी आई एन डॉट गेट से, और उसके बाद आप फौरन किसी इंटीजर या फ्लोट नंबर को इनपुट लेने जाओगे, तो वो पता क्या होगा, वो नॉर्मली वो उस इंटीजर या फ्लोट नंबर को स्किप कर देगा। वो क्यों करता है वो भी आपने सर्च करना है, आपने बस ये काम करके देखना है कि ऐसा होता क्यों है। तो ये बस एक बोनस बात मैं बता रहा हूँ, जिसका ये मसला आएगा वो अगर पूछने आ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको खुद सर्च आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम आपको इतना बताना था स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स में अब आपको जब मसले आएंगे, आप उन्हें जब हल करोगे तभी आपको समझ आएगी कि उसको कैसे डील करना है। हर बात मैं बताऊंगा तो आप उसको नहीं सीखोगे। तो हमने क्या देखा, हमने बस इतना देखा कि स्ट्रिंग्स होती क्या है, वो करेक्टर रहे हैं जो कि नल टर्मिनेटेड है। इस बात की समझ आएगी तो हैंड रेज कर दो। बाकी जब आप स्ट्रिंग्स के इनपुट मेथड्स को देखोगे आपको फिर से आवाज कट रही है, मतलब आ सकता है। और जब एरर आए तो गूगल देखा करो। जी वो मुझे पता लग गया था कट गया, एक मिनट मुझे दे दीजिएगा सर, एक मिनट दे दीजिएगा। ओके, अच्छा आवाज क्लियर हुई है बेटर थोड़ी सी। ठीक है, ओके, मेरी लास्ट बात समझ आ गई थी कि स्ट्रिंग्स क्लियर है ना, आगे मूव करें टू डायमेंशनल अरेज के ऊपर। ओ हैंड रेस करके आप बता सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग्स क्लियर ना तो हम आगे मूव कर लेते हैं। ओके, टू डी अरेज को पढ़ेंगे। अच्छा, ये आज ही ना जरा नेटवर्क का इशू है, तो जब मेरी आवाज़ कटेगी ऐसा ना काइंडली ना मुझे माइक ऑन करके बता दीजिएगा, मैं वो बात को फिर रिपीट कर लूंगा, ठीक है। ओके ओके, अच्छा
फॉर द लास्ट टाइम, अब मुझे आप ये बताओ 1D अरे सबको क्लियर है, फिर हम 2D अरे को डिलेट करते हैं और हम समझते हैं वो होती क्या। अच्छा अब सुनो, 1D अरे से 2D अरे बनानी कैसे, इधर आओ। अभी तक मैं आपको ऐसे बता रहा था ना कि ये एक अरे है, तो इसको अभी मैं वर्टिकली ड्रॉ कर लूँ तो आप इमेजिन कर लो ये एक अरे है। अभी तक हम 1D अरे इसी तरह बनाते रहे ना कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, 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 यहाँ पे और यहाँ पे, एज इट इज। ठीक है, अगर इस बात की समझ है तो काइंडली हैंड रेज कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यार, आप मुझे फिर एक मिनट दें, मैं कंफर्म कर लूं कि ये मैं इशू कहां से रहा। एक मिनट दें, डाटा वगैरह पे स्विच कर लो अगर है। ओके, असल में ना आप कनेक्ट हुई, स्क्रीन शो हुई है। स्क्रीन तो होगी है। वो असल में मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था, वो नेट का मसला नहीं था। अच्छा अब देख लें। अच्छा अच्छा मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो एरे है वो बेसिकली आप नॉर्मली इस तरह ड्रॉ करते थे ना, तो अब मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं वर्टिकल एरे बना रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है ना कि एक एलिमेंट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 1D एरे इसी तरह बनती है ना, इस बात की तो समझ है सबको, तो हैंड रेज कर दो। अब देखना मैं करने क्या लगा। अगर मैं इस इंडेक्स पे एलिमेंट रखवाने की बजाय एक पूरी एरे रखवा दूं, इसी तरह मैं इस इंडेक्स के ऊपर एक एलिमेंट रखवाने की बजाय एक और 1D एरे रखवा दूं, इधर भी एक 1D एरे रखवाऊं, इधर भी रखवाऊं, तो क्या मेरे पास इन चार इंडेक्सेस के अगेंस्ट इस तरह का पैटर्न बन जाएगा? ये पैटर्न समझ आया किस तरह बना है, कि बजाय इसके कि मैं इस इंडेक्स के ऊपर एक एलिमेंट रखवाऊं, मैंने एक क्या रखवा दी, एक इंटायर 1D एरे रखवा दी है, इसकी समझ आई है? तो हैंड रेज करना। तो ये जो अब एक 2D पैटर्न बन गया ना आपके सामने, ये हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे स्टडी करने लगे हैं। इस 2D पैटर्न को क्या कहते हैं? 2D एरे कहते हैं। बस ये 2D एरे इसी तरह एक बनती है। अब ये सुन लो कि 2D एरे का जुगाड़ क्या करना है स्लैंग लैंग्वेज के अंदर, वो ये है कि आपने अगर अभी तक ये पढ़ लिया ना कि 2D एरे के अंदर, सॉरी नेस्टेड लूप के अंदर आपने पैटर्न्स को किस तरह प्रिंट करना है, तो आपके लिए 2D एरे को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जुगाड़ क्या है कि ये जो कहते हैं ये आपकी नंबर ऑफ रोज है ना, इनको आपने आउटर लूप से फिल करना है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने इनर लूप से फिल करना है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद हम 2D अरे को बनाएंगे, उसके सिंटेक्स को गौर से देखेंगे और फिर उसको इवेंचुअली आइट्रेट करके फिल भी करेंगे और मजीद उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन इतनी बात याद रख लो कि हमने नंबर ऑफ रोज को किससे देखना है, आउटर लूप से, नंबर ऑफ कॉलम्स को इनर लूप से देखना है। आपका सवाल हो सकता है कि ये जो मैंने 2D पैटर्न बनाया, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं, तो क्या हर रो के लिए नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हर एलिमेंट की जगह अब हम एक एरे रखवाने लगे हैं, तो क्या ये नेसेसरी है कि हर एलिमेंट की जगह जो एरे रखवा रहे हैं वो सारी की सारी एक ही साइज की हों? तो इसका जवाब ये है कि जितनी आपकी प्रोग्रामिंग कंसेंट है ना इस लेवल पर, ये नेसेसरी ही है। आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को पूरी एरे में कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा पढ़नी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो आप जावा के अंदर या फिर इसमें भी जब आप मल्टी वो डायनेमिक एरे बनाते हो ना, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि फर्ज किया इस एलिमेंट के अगेंस्ट आप इतनी एरे रखवा दो, इसके अगेंस्ट आप इतनी एरे रखवा दो, इसके अगेंस्ट आप एक एलिमेंट की एरे रखवा दो, तो वो आप तब देखोगे जब आप डायनेमिक एरे या फिर जावा में ऊप कर रहे होगे। लेकिन जब तक आपकी प्रोग्रामिंग का लेवल कंसर्न है, आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक 2D पैटर्न बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, इस बात को याद रखना है। विद दिस बिंग सेट हमें 2D एरे को बनाने लगे। ओके, अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर 2D एरे समझे, फिर हमने ये देखा कि उसका जुगाड़ क्या करना है, वो हमने ये बता दिया कि यार एक नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करने के लिए हमें नंबर चाहिए और एक नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो देखो 1D एरे इस तरह बनाते थे ना कि एक इंटीजर टाइप की एरे बनाई और एक स्क्वेयर ब्रैकेट लगाया, 2D एरे के लिए डबल स्क्वेयर ब्रैकेट लगेगा। अब ये जो पहला स्क्वेयर ब्रैकेट है ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रोज है, तो मैं इस पैटर्न को ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ और इतना ड्रॉ करता हूँ। तो अच्छा चलो इतना ही कर, इतना कर दे यार।
ओके इसमें कितनी रोज हैं, एक दो और तीन रोज हैं, और दो कितने हैं कॉलम्स हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तीन नंबर ऑफ रोज हैं, दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो वो जो अभी मैंने एक्सेल के अंदर आपको 2D array बना के दिखाई थी ना, उसको आपने कोड के अंदर इस तरह लिखना है। अच्छा, इसको इनिशियलाइज किस तरह करना है, बहुत ज्यादा तरीके हैं। अगेन जिस तरह पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर नोट्स में आपको पता लग जाएगा कि अरे को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन 2D array का जो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट है, और ये बात के 2D array को डिक्लेयर कैसे करना है, कि पहला स्क्वायर ब्रैकेट बताएगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये बात समझिए तो हैंड रेस करें। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बात समझ आ गई है, तो अब हम ना 2D array को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने के लिए ना इसको मैं इनिशियलाइज करने लगा हूँ। लेकिन आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, इनिशियलाइज कैसे हुई है ये आपको लेक्चर नोट्स में भेज दिया जाएगा। तो अब देखो, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप ये भी पता लगा सकते हो। आप में से कितने बच्चों ने, अगर आप प्री मेडिकल करके भी आया ना, तो आई एम प्रीटी श्योर आपने 9th 10th के अंदर मैट्रिसेस पढ़े होंगे, पढ़े हैं सबने। 2D array एक मैट्रिक्स होता है, बात ही खत्म, बस। इससे ज्यादा इजी आप 2D array को इमेजिन नहीं कर सकते। वो एक मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रोज हो गए, उसकी भी रोज होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद कैसे पता लगाते थे, कि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें पता लग जाता था मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। रोज 2D arrays के साथ भी यही सीन है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल एलिमेंट्स पता लग जाएंगे। अब इस 2D array के अंदर तीन रोज और दो कॉलम्स है ना, तो उन्हें मल्टीप्लाई करो, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे बस। तो हम इन सिक्स एलिमेंट्स को भी क्या करने लगे, इनिशियलाइज कर देते हैं, जस्ट टू सी के काम कैसे करना है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 6 हो गए जी, 6 हो गए। ठीक है, अब इसे प्रिंट कैसे करना है, याद है मैंने बताया था कि एक आउटर लूप है जो नंबर ऑफ रोज को देखेगा, एक इनर लूप है जो नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेगा। तो फोर, ओके, बिफोर एक्सेसिंग दिस, ये बात समझ आई है। तो मैं एक और बात, अब आपको इसकी इंडेक्सिंग के ऊपर तो बात ही नहीं की ना हमने, वो भी बता दूं, ये बात समझ आ गई। 2D array एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, और इसकी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पता कैसे लगाने कितने होते हैं। अच्छा, इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो गई ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अगर एक नॉर्मल 1D array की बात करूँ, ये कुछ इस तरह इंडेक्स होती है, ठीक है। पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे था, दूसरा 1 पे था, तीसरा 2 पे था, और ये 3 पे था, ठीक है। 2D array कैसे इंडेक्स होती है, तो मैंने कहा था कि इमेजिन करो ये array है जिसके हर इंडेक्स के ऊपर मैं भी एक और array रखवाने लगा हूँ। तो पहले इसकी इंडेक्सिंग तो करें ना, 3 इसे 2 तक ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। ओके, ये तो हो गई रो। अब ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम भी तो पहले ही है ना, अगर आप इसको विजुलाइज करो। अब देखो, तो ये पहली रो है, और ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। अब ये कॉलम कौन सा है, तो ये पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम का इंडेक्स भी क्या है, 0। ओके, अभी भी पहला कॉलम ही चल रहा है, माइंड इट, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो पहले कॉलम के अंदर कॉलम की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे भी क्या कॉलम की वैल्यू रहेगी, याद रखना है कि रो का नंबर हमेशा पहले लिखना है, कॉलम का नंबर हमेशा बाद में लिखना है, ठीक है। और तीसरे में भी क्या होगा, 2, 0। अच्छा, इधर आ जाओ, ये कौन सा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। ओके, रो कौन सी है, रो तो अभी पहली चल रही है ना, तो पहली रो का इंडेक्स क्या हो गया, 0, और पहले और दूसरे कॉलम का इंडेक्स 1 हो गया। अब ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो दूसरी रो का इंडेक्स क्या हुआ, यहां से देख लें, 1 है, और दूसरे कॉलम का इंडेक्स हो गया 1। ओके, तीसरी रो का इंडेक्स क्या है, 2 है, और दूसरे कॉलम का इंडेक्स क्या है, 1 है। सो 2D array की इंडेक्सिंग इस तरह होती है कि पहले आप रो नंबर लिखते हो, और हमें पता है कि रो नंबर 0 से लेकर टोटल नंबर ऑफ रोज -1 तक जाएगा, और कोमा से सेपरेट करके हम उसका कॉलम नंबर लिखते हैं। और हमने अगेन इस बात को स्टडी किया हुआ है कि कॉलम नंबर्स 0 से रेंज करते हुए कहाँ तक जाते हैं, मैक्सिमम आपके कॉलम टोटल कॉलम्स -1 तक। एक चीज का ये ध्यान रखना है कि रोज इस तरह काउंट होंगी, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और कॉलम इस तरह काउंट होंगे, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरह 2D array को इंडेक्स किया जाता है। इस बात की समझ लगेगी, हैंड रेज करना। ओके, अब ना इसको प्रिंट करके लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ रोज को हम आई से एक्सेस करेंगे, तो मैंने बताया था आई 0 से लेकर किधर तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज -1 तक। तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, तो आई लेस देन 3 तक चलेगा, यानी 2 तक चलेगा।
इसके अंदर इनर लूप है, तो इनर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके कॉलम्स को एक्सेस करेंगे, तो जे जीरो से लेकर किधर तक चलेगा, जे लेस देन टू तक चलेगा, और जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब प्रिंट कैसे करना है ये देख लो, परसेंट डी, क्योंकि हम एक इंटीजर को प्रिंट करने लगे हैं, स्पेस दे देते हैं कोमा से सेपरेट करके, एरे का नाम पहले दे दें। सुने, पहला ब्रैकेट बताता है कि रो के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, तो रो के अंदर पोजीशन के लिए रो नंबर को कौन सा वेरिएबल देख रहा है, आई देख रहा है ना, तो पहले यहाँ पे आई लिख दो। चलो, दूसरा ब्रैकेट बताएगा कि कॉलम के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, तो कॉलम को कौन देख रहा है, जे देख रहा है, तो यहाँ पे जे लिख दो। अगर आपने मेरे से नेस्टेड लूप या कहीं से भी नेस्टेड लूप पढ़े हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जब इनर लूप पूरा हो जाता है तो एक रो प्रिंट हो जाती होगी, तो आपको पता है एक रो प्रिंट करने के बाद हमने निचली लाइन में जाना होता है, तो निचली लाइन में जाने के लिए हम कौन सा क्या लिखते होते हैं नॉर्मली, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन। ठीक है, अब हम इस एरे को प्रिंट करते हैं ताकि हम इसकी बेटर विजुअलाइजेशन हो जाए। तो ये देख लें, ये आपकी एरे प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन कैसे हुई है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इस वाली इनिशियलाइजेशन को। तो ये क्या होगा, ये रो वाइज फिल कर रहा है, तो पहला एलिमेंट जाएगा 00, फिर ये जाएगा 01 में, फिर ये आएगा 10, फिर ये जाएगा 11 को, फिर ये जाएगा 20 को, और ये जाएगा 21 को। तो ये रो वाइज एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। और ये देखो, ये पहली रो थी ना, तो यहाँ पे ये पहली रो प्रिंट हो गई, ये दूसरी रो थी ना, ये दूसरी रो प्रिंट हो गई, ये तीसरी रो थी, ये आपकी तीसरी रो क्या हो गई, प्रिंट हो गई। सो दैट्स हाउ आप टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इस बात की समझ आई है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ी और एग्जांपल को इसी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ ले, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा तो वो क्लियर होता जाएगा। ओके, आप ना इस आउटपुट को देखो और इस आउटपुट से विजुलाइज कर लो आपकी एरे इस तरह की है। ओके, अभी मैंने आपको एक्सेल के अंदर बताया था इसका एड्रेस होगा 00, इसका एड्रेस होगा 01, क्योंकि ये पहली रो है लेकिन ये कॉलम दूसरा है, ये दूसरी रो है, तो इन दोनों का इंडेक्स होगा, इसका होगा 10, इसका होगा 11, इसका होगा 20, इसका होगा 21। मैं क्या करता हूँ, बिफोर प्रिंटिंग दी एरे, यहाँ पे एरे को प्रिंट कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो मेरी एरे है ना उसका बेसिकली जो दूसरा वाला आपका जो रो का एलिमेंट है, मतलब जो ये पोजिशन पे बैठा हुआ है और जो 21 पे बैठा है, उसको चेंज करके ना वहां पे 10 रखवा दो। ठीक है, अब आपको पता है कि 21 हमारा लास्ट एलिमेंट था, तो आपका लास्ट एलिमेंट 1 से चेंज होकर 10 हो गया। मैं कहता हूँ 20 वाले को चेंज करो, तो 20 वाला बेसिकली ये 6 है ना, तो अब मैं इसको भी अगर चेंज करूंगा तो ये भी बैकएंड के ऊपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 आ गया, वो 1 वापस चला गया, क्योंकि अब मैंने उसको तो चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह आप उसके सर्टेन एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये टू डायमेंशनल एरे है, इसको इस तरह एक्सेस करना होता है, और यही ओवरऑल इसके ऊपर डिबेट है। ये समझिए तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, अब ना हमने ये समझ लिया 2D array क्या होती है, हमने ये समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे 2D array कैसे बनती है, फिर हमने ये समझ लिया कि अब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसे किस तरह विजुअलाइज करना है, किस तरह करना है, एक मैट्रिक्स की तरह विजुअलाइज करना है। अच्छा, अगर ये बात हमने कह दी है कि टू डायमेंशनल एरे एक मैट्रिक्स है, तो क्या हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन 2D array से यूज कर परफॉर्म कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक में लेता हूँ 1, 2, 3, 4, दूसरा लेता हूँ 5, 6, 7, 8, और मैं कहता हूँ इन दोनों को मुझे ऐड करके दो, तो 1 + 5 = 6 होगा, 2 + 6 = 8 होगा, 3 + 7 = 10 होगा। आपको मैट्रिसेस की एडिशन आती है अगर आपको मैट्रिसेस आते हैं। तो अब हमने ये एक एग्जांपल परफॉर्म करने लगे हैं ताकि हमें टू डायमेंशनल एरे की बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो अब क्या करना है, एक 2D एरे ये है मैट्रिक्स 1, एक 2D एरे ये है मैट्रिक्स 2, और एक 2D एरे ये है जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो अब हम इस काम को परफॉर्म कर लेते हैं, तो हम इसको कमेंट करते हैं, हम दो 2D arrays बना लेते हैं, तो एक int हो गया हमारा मैट्रिक्स 1, और ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज क्या है, 1, 2, 3, 4 आ जाओ। दूसरा मैट्रिक्स भी बना देते हैं, ये मैट्रिक्स 2 हो गया, और ये भी 2x2 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रखवाते हैं हम, 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों को ऐड करके क्या करना है, एक तीसरा मैट्रिक्स आ रहा है, उसका नाम है रिजल्टेंट, 2x2 का ही होगा वो भी ऑब्वियसली, और हमने इसका रिजल्ट रखवाना है 2x2 के इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे वो देख लो, एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका तो आता है ना, इसको कमेंट करके कॉपी करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। चलो, एलिमेंट्स को तो एक्सेस करना हमें आता है, तो पेस्ट कर दिया।
तो ये लेस देन टू तक चलेगा अब, क्योंकि नंबर ऑफ रोज टू है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, टू ही हैं। ठीक हो गया। ओके अब यहाँ पे हम प्रिंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलो काम क्या करना है कि अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे थे तो आई बताता है कि इसकी रो में पोजीशन क्या है, जे बताता है इसकी कॉलम में पोजीशन क्या है, और मैट्रिसेस जब आप इसमें ऐड करने हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इसमें ऐड होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जो जीरो जीरो पे पड़ा है वो दूसरे मैट्रिक्स के जीरो जीरो वाले से ही ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस पता है क्या करना है, हम कहेंगे कि यार रिजल्ट के जो आई और कॉमा जे वाला इंडेक्स एलिमेंट पड़ा है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मैट्रिक्स वन के जो आई और जे पे एलिमेंट पड़ा है उसको प्लस कर दो जो कि मैट्रिक्स टू के आई और जे वाले एलिमेंट पे पड़ा है। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद क्या है, ये काम करने के बाद हम अपने मैट्रिसेस को प्रिंट कर देंगे, ये अगेन टू तक चलेगा और यहाँ पे अब हमने रिजल्टेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी हम एक्सेल में एग्जांपल करके आए हैं, इसका आंसर अगर तो हमारे मैट्रिक्स सही है तो ये आना चाहिए 6, 8, 10 और 12, और अगर नहीं आएगा तो इसको हम डीबग कर लेंगे। इसको रन कर देते हैं तो 6, 8, 10 और 12 आ गया। एडिशन मैंने कर दी, सब्ट्रैक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल की समझ आई है और 2D अरे, ओके रिपीट कर देते हैं। अच्छा उससे पहले हुजैफा, आपको जब हमने 2D अरे को प्रिंट किया था वो समझ आई थी बात? ओके चलो, अगर आपको बात समझ आई थी तो आपको पता होगा कि बस बहुत सिंपल है, मतलब बस हम 2D अरे को प्रिंट कर रहे थे, किधर कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे। तो जब भी हम आई को सॉरी ब्रैकेट आई और ब्रैकेट जे लिखते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बता रहे होते हैं कि हम लूप के अंदर अभी इस एलिमेंट के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम पहले मैट्रिक्स के 0,0 एलिमेंट पे आना तो उसमें प्लस दूसरे एलिमेंट मैट्रिक्स का 0,0 वाला एलिमेंट ही ऐड हो सकता है। एक्सेल पे आ जाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वन के अंदर ये 5 ही ऐड होगा, ऐसा नहीं हो सकता इस वन के अंदर ये 6 ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज ऐड अप। इस 2 के अंदर ये 6 ऐड होगा, इस 3 के अंदर ये 7 ऐड होगा, इस 4 के अंदर ये 8 ऐड होगा। ठीक है, तो बस और कुछ भी नहीं मैंने किया। मैं कहता हूँ कि यार रिजल्टेंट के आई और जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इस वाले के आई और जे एलिमेंट को और इस वाले के आई और जे एलिमेंट को, लेट से अगर मैं 0,0 की बात करूँ ना, एडिशन ऑपरेशन से पहले, एडिशन ऑपरेशन से पहले क्या चीज़ पूछनी है आपने एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा क्लियर करो क्या पूछना चाह रहे हो। आपको नेस्टेड लूप से एक्सेस किस तरह कर रहे हैं वो चीज समझ नहीं आई? हाँ एसएस तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया आपने, मैट्रिसेस पढ़े हैं ना, मैंने बताया था कि 2D अरे को आप। शायान जी, यार सॉरी, मुझे थोड़ी देर जाना पड़ रहा है, बाहर आंटी को पिक करना है, तो पीछे से देख लोगे या नहीं? टोटली फाइन हसन भाई, कोई बात नहीं लिंक आता मैं ऐसा। शेयर कर दूंगा, ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है? ओके ओके। अच्छा मैं बस इतना बता रहा था हुजैफा कि 2D अरे एक मैट्रिक्स ही होता है, इसके अंदर भी उस तरह ही रोज चलती हैं, इसके अंदर भी उस तरह ही कॉलम चलते हैं। टू प्रूव माई पॉइंट, मैंने 2D अरे को यूज करके मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म की है, इसके अलावा मैंने ऐसे कोई ऐसी बात नहीं बताई, बस यही बताया था। क्या आप इंडेक्सिंग का पूछ रहे हो? इंडेक्सिंग तो वैसे बता दी थी, वो तो मैंने बहुत पहले बता दी थी लूप में प्रिंट करने से पहले। ओके बस यही है कि इस मैट्रिक्स का जो, अच्छा हम 0,0 के लिए बात कर रहे थे ना, तो मैं ये कह रहा था कि रिजल्टेंट के जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो बराबर होगा जो कि मैट्रिक्स 1 के 0 पे पड़ा है प्लस जो कि मैट्रिक्स 2 के 0 पे पड़ा है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं बताई। अगर यहाँ पे आई और जे की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे ऐसा ही होगा ना, और क्या ये चीज यहाँ से वेरीफाई नहीं होती कि ये 0,0 वाला एलिमेंट इस 0,0 वाले एलिमेंट में ऐड होगा और यहाँ पे रिजल्ट वाले मैट्रिक्स के 0,0 एलिमेंट में इसका आंसर स्टोर हो जाएगा। तो यही काम मैंने हर एलिमेंट के लिए परफॉर्म किया है। सो दैट्स हाउ यू परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2D अरे। समझ आ गया तो हैंड रेस कर दें। तो आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दें, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है, इजी हो जाए। नहीं, के की तो बात नहीं आएगी ना, देखो आई कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, जे कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, अब एक मैट्रिक्स किस तरह बड़ा होगा कि
नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएंगी तो आई की वैल्यू ज्यादा तक चला दो, या उसके नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो जाएंगे तो जे की वैल्यू ज्यादा आइट्रेशन तक चला दो। के नहीं यूज करेंगे, के तब यूज करेंगे जब कोई तीसरी डायमेंशन आ जाएगी मैट्रिक्स के अंदर, और ये बात बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को अपने लेवल पे भी ना समझे क्योंकि वो विजुलाइजेबल भी नहीं है। तो जो चीज आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते उसको परफॉर्म करना भी आपके लिए काम करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एज फार एज योर मैट्रिसेस आर कंसर्न्ड, आई और जे की टर्म्स में ही चलाना है, के की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। के की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वो इस तरह नहीं पड़ेगी कि आप के से कोई नया मैट्रिक्स की कोई नई डायमेंशन निकाल रहे होगे। इसलिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आपके लेवल पर डिस्कस नहीं कराई जाती। वो हो सकता है आपको डीएसए में आपका टीचर अगर एरेज पढ़ा रहा हो तो आपको बता देगा, लेकिन नॉर्मली मैंने डीएसए में भी लोगों को ये चीज डिस्कस करते नहीं सुना हुआ, ठीक है। अभी तक जितनी बातें बताई उन सबकी समझ आ गई, तो आप लोग एंड्रेस कर दें। अच्छा, जब मैंने नेस्टेड लूप पढ़ाए थे तो मैं ये बात बताना भूल गया था कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो उसकी एप्लीकेशन बेसिकली यही है, आप 2D अरे को फिल करते हो। अब सवाल ये है कि 2D अरे की एप्लीकेशन क्या है, तो आप में से कितने बच्चों को प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं वो जरा हैंड रेज कर दें। ओके, इट्स बेटर कि आप सब, बाकी भी जब आप सिलेबस कर लो तो आप प्रोजेक्ट बनाएं। ये नीचे से शोर आ रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, तो आपने ना प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2D अरे की एप्लीकेशन किधर किधर आती हैं आपके लेवल पर, ऑब्वियसली वो मैं बता देता हूँ। आप कोई भी बोर्ड गेम बना रहे हो ना, उसका बोर्ड 2D अरे से डिजाइन होगा। टिक टैक टो बना रहे हो, उसका बोर्ड 2D अरे से बनता है। चेस आपने नहीं बनानी, मैं हरगिज मना कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर। अगर कोई बहुत अच्छा कोडर है फिर बनाए, तो वो जो चेस का बोर्ड है ना वो भी 2D अरे से बन सकता है। लूडो बना रहे हो, लूडो का भी जो 2D बोर्ड है वो 2D अरे से बनेगा। उसके अलावा आप फर्ज किया कोई थिएटर का सीटिंग सिस्टम बना रहे हो, या आप बस का रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हो, तो आपने दिखाना होता ना कि आपकी ये सीट्स हैं, इनमें से ये बुक हो गई और ये बुक नहीं हुई, वो भी आप 2D अरे से बना सकते हो। तो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ इस तरह की 2D अरे की एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता होना चाहिए आपको इनको कब यूज़ करना है। ये बात भी समझ लगी तो है, एड्रेस कर दें। ओके, आपका आज का लेक्चर इतना ही था। हमने इसमें स्ट्रिंग्स डिस्कस की और मैंने आप पे थोड़ा सा काम इस दफा डाल दिया है कि जाके स्ट्रिंग्स को डिस्कस आपको सर्च आउट करना है, क्योंकि सर्चिंग का काम मैं आपको कभी नहीं सिखाने वाला किस तरह करना है, वो खुद करोगे तो उतना ही आएगा। दूसरा, मैंने आपको 2D अरेज बताई कि वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बनती किस तरह, उसको फिर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह समझना है और फिर उस पर काम किस तरह करना है। इन सारी चीज़ों की समझ आ गई है तो मैं कुछ एंडिंग रिमार्क्स देता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। वो हैंड रेज करके बताना कि आ गई समझ। ओके, ठीक है। आपके बाद रिकर्सिव फंक्शन को बेसिक रिपीट कर देंगे। अच्छा, उसके ना यार मैंने लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अलबत्ता आपको शाजिल अगर इशू आ रहा मुझे लेक्चर के बाद टेक्स्ट कर दो, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वो तो ऐसे कोई इशू नहीं, आपको किसी भी टॉपिक में इशू आया मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। अभी वो 2D अरे है ना, तो मैं अगर रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा रिपीट करूंगा वो फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा, ये फिर उसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जिसको इशू हो मुझे टेक्स्ट कर ले, कोई मसला नहीं। अच्छा, वापस आते हैं अपनी बात पे। मैंने आपको ये बताना था कि आप में से कितने लोग हैं जो शुरू से सेशन ले रहे हैं। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना वो काइंडली रिकॉर्डिंग एंड कर ले, और रिकॉर्डिंग एंड करके एक दफ़ा मुझे बता दो।